नमस्कार, मैं विजय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। अब चोर सोना चांदी बर्तन जेवर नहीं चुराते, अब वो चुराने लगे हैं पत्थर। चौकिए मत, ये कोई कीमती पत्थर मतलब जेवराती पत्थर नहीं है, मकानों की फर्शी में लगने वाले पत्थर है ना, ये कमाल की बात। पत्थरों की भी चोरी होती है। सलुम्बर थाना क्षेत्र के पत्थर के गोदाम से पत्थर चुराने वाले दो अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। थाना अधिकारी हनुमंत सिंह ने बताया कि प्रार्थी मनीष पिता भगवान लाल जी, जाति नागदा, ब्राह्मण, उम्र 30 वर्ष, निवास पुरोहितवाड़ी सलुम्बर ने रिपोर्ट दी कि दिनांक गुरुवार को प्रातः 9 बजे उसके पिताजी पत्थर गोदाम गोपाल मार्बल एंड सीमेंट सप्लायर्स, जो कि बांसवाड़ा रोड पर है, वहां जाकर देखा तो कोटा स्टोन की थप्पियों में से कोटा स्टोन में से 57 नग कोई चुरा कर ले गया, जिनकी कीमत कुल 50,000 रुपये के लगभग थी। इस पर टीम गठित करके मुखबिर और सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश आरंभ की। इस पर दिनेश पिता छगन नट, उम्र 45 वर्ष, निवासी दुदूर थाना सलुम्बर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में गोदाम पर पूर्व में नौकरी करने वाले नौकर पूना मीणा निवासी रघुनाथपुरा के साथ ये वारदात करना कबूल किया है। पूना मीणा घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वारदात के बाद दिनेश द्वारा उक्त पत्थर अपने रिश्तेदार देवीलाल, पिता जयंतीलाल नट, निवासी मुंगेर थाना साबला जिला डूंगरपुर को बेचना बताया है। पुलिस ने बताया कि देवीलाल द्वारा उक्त पत्थर अपनी मारुति वैन में भरकर घटना की रात्रि को मुंगेर ले जाया गया। चोरी का माल खरीदने के आरोपी देवीलाल नट को गिरफ्तार कर मारुति वैन व चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़कर मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है इससे आगे भी कई वारदात खुल सकती है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू हुआ। नए चरण की शुरुआत के साथ ही पहले दिन राजस्व विभाग के कार्मिकों का टीकाकरण किया गया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता केंद्र सलुम्बर पर पहला टीका एसडीएम मणिलाल तिरगर को लगाया गया। दूसरा टीका तहसीलदार नारायण लाल झिंगर को लगाया। इसके बाद राजस्व विभाग के अन्य कार्मिक को टीके लगवाए गए। इस दौरान तहसीलदार नारायण लाल झिंगर, डॉक्टर गजानन गुप्ता, डॉक्टर पुष्कर लाल, नायब तहसीलदार श्याम चरण सिंह सहित चिकित्सा की टीम सहित राजस्व की टीम मौजूद रही। बता दें कि द्वितीय चरण के टीकाकरण के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें पहले चरण के तहत राजस्व विभाग के 850 अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए जिले में 16 सेंटर तैयार किए गए हैं। इसके बाद 5 और 6 फरवरी को स्थानीय निकाय के 2,597 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद में 6 और 7 फरवरी को पुलिस विभाग के 2,979 अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण का कोरोना वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। इसमें 29,592 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। ऐसे में अब राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत राजस्व विभाग, नगर निकाय विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के ग्राफ में कमी आ रही है। बुधवार को कोरोना वायरस से ग्रसित 6 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11,794 के आंकड़े पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से अब तक 11,378 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में अब कोरोना के 298 केस एक्टिव बचे हैं। कोरोना जो महामारी का जो 2020 का जो दौर चला था, उसमें काफी परेशानियों के बाद भारत सरकार द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है, जो उपलब्ध करवाई है, उसमें तो सारे जो अधिकारी वर्गों में और जो अलग अलग डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं, सबसे पहले चिकित्सा विभाग ने लगाए। आज हमने पूरे हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से का मतलब वैक्सीनेशन था, जिसमें मैंने सबसे पहले वैक्सीन लगाई है और मेरे तहसीलदार जी, नायब साहब, सबने लगाना शुरू कर दिया है। वैक्सीन लगाने के बाद लगभग मुझे आधा घंटा हो गया है, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल मैं जितना मतलब एक तरह से नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। और जो वैक्सीन लगाने वाली जो सिस्टर मैडम है, उनका भी मैं धन्यवाद याद करता हूँ। उनको लगाने वक्त किसी तरह का कोई दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल एकदम सामान्य एक तरह से वो लग रही है, जो इंजेक्शन का वो होता है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस वैक्सीन पे भरोसा करें और इसको जैसे ही इसकी उपलब्धता हो अनिवार्य रूप से तत्काल लगवाएं। उदयपुर के पूर्व सांसद एवं केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा के जन्मदिन पर गांधी चौक में लगी गांधी प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राजकीय अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। इस मौके पर सलुम्बर प्रधान गंगा देवी मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, वरिष्ठ नेता रमेश मंत्री परमानंद मेहता, जगदीश भंडारी, कैलाश सेन, हीरालाल तोरावत, मोहन लाल जैन, नगर उपाध्यक्ष नारायण लाल भोई, महिपाल खेतावत, पार्षद नरेश जैन, विजय चौबीसा आदि मौजूद रहे।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।